अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्कहब ग्राम, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बहुत ही सिंपल कॉमन जो फ्रेजेस हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इनमें क्या फ़र्क है ये हम आज सीखेंगे। ठीक, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, एट द एंड, इन द एंड, इसका क्या मतलब, इनमें क्या फ़र्क है, कहाँ पर आप एट द बिगनिंग यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप इन द बिगनिंग यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप एट द एंड यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप इन द एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एट और इन का जो डिफरेंस है प्रपोजिशन का, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है अगर आप जान लेंगे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है कि आप थोड़ी बहुत गलतियाँ कर सकते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इनका डिफरेंस, राइट यूजेज इनका जो है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एकेडमिक राइटिंग होती है या ऐसे राइटिंग होती है, वहां पर अगर आप गलत इस्तेमाल कर लें, कहीं पर आपने एट द बिगनिंग इस्तेमाल करना है लेकिन आपने इन द बिगनिंग इस्तेमाल कर लिया, तो जाहिर बात है एग्जामिनर के ऊपर जो है वो गलत इंप्रेशन जाएगा और वो आपके मार्क्स को डिडक्ट भी कर सकता है। ठीक, तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना करेक्ट बोलेंगे ऑब्वियसली उतना अच्छा है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है कि आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हेयर एंड देयर जो ना मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट एग्जाम्स में आपके पास मार्जिन नहीं होता है मिस्टेक्स करने का। तो इसलिए इन चीज़ों को, ये जो ग्रामर के जो लेसन्स होते हैं, इन लेसन्स को ध्यान से सुना करें, समझा करें, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें। चलिए आज हम सीख लेते हैं क्या है, जैसे कि एट द बिगनिंग। एट द बिगनिंग हम कब यूज़ करेंगे? एट द बिगनिंग हम तब यूज़ करेंगे, फ्रेज इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और लोकेशन। देखिए अगर आपने किसी कोई चीज़ का, देखिए बिगनिंग से ही हमें पता लग गया है कि यूज़ तो हम करते हैं आगाज़ या शुरुआत के लिए, आगाज़ में या शुरुआत में जो हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का जब किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही है वहाँ पर। लेकिन एट द बिगनिंग हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ की बिगनिंग का एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बता रहे हैं, उसके वक्त का जो ना स्पेसिफिक वक्त का तयन बता रहे हैं, या स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं कि इस खास लोकेशन पे या इस खास टाइम पे या इस खास, मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो डेफिनेट है, वो आपको पता है, उसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, मालूम नहीं कि कब ये बात शुरू हुई, नहीं, आपको शुरुआत के वक्त का पता है, लोकेशन का पता है, तो वहां पर हम एट द बिगनिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ आएगी, जैसे कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के आगाज में या साल की शुरुआत में। ठीक, जब हम ये कहते थे कंपनी सेट एम्बिशियस सेल्स गोल्स, जो भी थे, ठीक है, कंपनी ने बड़े एम्बिशियस किस्म के जो ना वो सेल्स के जो गोल्स हैं वो सेट किए एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जब ये, जैसे कि एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन, जैसे होता है ना कि द इवेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन। ठीक है, सीजन का जो आगाज है, अब सीजन कोई सा भी, विंटर सीजन, समर सीजन, कोई भी सीजन, ठीक है, सीजन के आगाज में जो ना वो इवेंट जो है वो मुनक्कद होगा। ठीक, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के आगाज में। ठीक, जब आपको मालूम है साल का आगाज क्या होता है, जनवरी का महीना, 1 जनवरी जो होता है वो साल का आगाज होता है। ठीक, जब आपको स्पेसिफिक टाइम पता हो। ठीक, इसी तरह से जैसे एट द बिगनिंग ऑफ द रेसिपी, अब जब एक रेसिपी है उसका मालूम है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द रेसिपी इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्री हीट द ओवन, कि जब आप रेसिपी को स्टार्ट करने लगे हैं, आप कुछ भी जब इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं रेसिपी वगैरह की किसी, अच्छा ये याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शंस होना और उसमें कहना होना कि शुरुआत में, जब आप इंस्ट्रक्शंस राइट कर रहे हैं, वो बता रहे हो, तो एट द बिगनिंग यूज होगा, ये आप जो ना वो जहन में रख लीजिए। ठीक, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है एट द बिगनिंग ऑफ द रेस, जब रेस की शुरुआत, ठीक है, जब रेस शुरू हुई, आप पता नहीं कि रेस का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है कि कब और किस टाइम पे, उसकी लोकेशन, उसकी उसका जो टाइम है वो सब पता होता है। जब भी कोई भी रेस स्टार्ट हो रही है, द रनर्स लाइंड अप एट द स्टार्टिंग लाइन, वो स्टार्टिंग लाइन पे जो ना वो लाइन अप हुए रनर्स जो भी उस रेस में हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह से आपको 2-3 और एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि एट द बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर, आप किसी कोई भी सेमेस्टर अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्टार्टिंग डेट पॉइंट पता होता है, ठीक ना, वो स्पेसिफिकली उसको जब आपको मिलता है शेड्यूल तो उसमें पता होता है ना कि सेमेस्टर इस डेट को स्टार्ट हो रहा है। एट द बिगनिंग ऑफ द एग्जाम्स, एग्जाम्स के स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। इसी तरह से एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी कब स्टार्ट हुई, उसके स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, बुक के आगाज में, ठीक है, देयर वाज ऑथर्स नेम्स आर रिटन, ठीक है, कि ऑथर्स के जो नाम है एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक जो है वो लिखे हुए होते हैं, ठीक, जो भी, मतलब जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है ना, जिसमें आपको लोकेशन और पॉइंट इन टाइम जो है ये मालूम होता है, वहां पर हम एट द बिगिनिंग यूज करते हैं। इन द बिगिनिंग अब हम कब यूज करते हैं? इन द बिगिनिंग हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज की अर्ली स्टेजेस बतानी होती हैं। अच्छा, इन द बिगिनिंग फ्रेज हमारी तब यूज होती है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें के जो जिसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें कुछ पीरियड्स होते हैं उस काम के, ठीक है। अभी जब हमने पिछली एग्जांपल्स देखी हैं उसमें बिल्कुल आपको क्लियर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे सेमेस्टर किस डेट को स्टार्ट हो रहा है पता होता है, रेस किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है पता होता है, ठीक है, क्लियर होती है, क्लैरिटी होती है। इन द बिगिनिंग हम तब यूज करते हैं जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो तो क्लियर नहीं होता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस उसकी बताई जा रही होती है, ठीक है, या तो जो भी प्रोसेस होता है ना उसमें स्टेजेस होती हैं, उसमें पीरियड्स होते हैं। अभी एग्जांपल्स में आपको ज्यादा सही समझ में आएगा, जैसे कि इन द बिगिनिंग लाइफ ऑन अर्थ वाज सिंपल एंड सिंगल सेल्ड। देखें, जिंदगी का जो आगाज हुआ किसी को स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, साइंस ने बहुत सारी थ्योरीज दी ऑब्वियसली, लेकिन क्या एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट ये चीज मालूम है क्या जिंदगी के आगाज की? नहीं पता ना, तो इसलिए यहाँ पर हम एट द बिगिनिंग नहीं यूज करेंगे। दूसरा इसका एक और जो मैं अभी बता रही थी कि इन द बिगिनिंग हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि स्टेजेस और पीरियड्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ पीरियड से गुजरकर अब तक जहाँ पर आज हम मौजूद हैं यहाँ तक पहुंची है, ठीक। स्टार्ट में, आगाज में जैसे है कि इन द बिगिनिंग लाइफ ऑन अर्थ वाज सिंपल, जो लाइफ थी, जो जिंदगी थी वो बड़ी सिंपल थी और सिंगल सेल्ड थी, एक सेल की जिंदगी थी ये जब शुरुआत हुई, साइंस हमें बताती है। देखिए, आज जो हम ह्यूमन है ना, हम लोग जो है हम बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इस जिंदगी जमीन के ऊपर इस तरह से शुरू नहीं हुई थी, वो एक सेल से शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट पीरियड से गुजर कर जो है ना वो लाइफ यहाँ तक पहुंची है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन द बिगिनिंग यूज करेंगे जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट पीरियड्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कोई प्रोसेस के बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप। आप देखें, कोई भी रिलेशनशिप होता है जब शादी होती है या जो भी, तो देखिए रिलेशनशिप भी ना मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ पीरियड से गुजरता है, ठीक, इसलिए रिलेशनशिप के लिए भी इन द बिगिनिंग यूज होता है। दे हैड आर्गुमेंट्स एंड फाइट्स, ठीक है। अब रिलेशनशिप किस तरह डिफरेंट पीरियड्स और स्टेजेस से गुजरता है। अब यहाँ पर तो ये लिखा ना कि उनके रिलेशनशिप के आगाज में जो है उनके दरमियान में बड़ी आर्गुमेंट्स और फाइट्स हुए थे, लेकिन हो जरूरी नहीं होता है, कुछ रिलेशनशिप का आगाज होता है कि उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सारी मिसकंसेप्शंस जो होती है वो दूर हो जाती है, उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, ठीक। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आगाज बहुत अच्छा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान में मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होने लगती हैं और रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही खराब होने लगता है। तो हर रिलेशनशिप मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, इसलिए रिलेशनशिप के लिए भी जो है ना वो हम इन द बिगिनिंग यूज करेंगे। अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा। एक और पॉइंट भी इसका मैं आपको बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा, जब किसी बात में आपने ये भी कह रहा है ना कि शुरू में तो ये चीज ऐसे थी, बाद में ऐसे हो गई, ठीक है, वहां पर भी इन द बिगिनिंग होता है, क्योंकि जाहिर बात है कुछ तब्दीली आई है ना कुछ वक्त के बाद आगे जाकर, जब वो तब्दीली आई है तो इसका मतलब है कि हम इन द बिगिनिंग यूज करेंगे वहां पर। ये इन द बिगिनिंग यूज करने के लिए जो ना वो कुछ मतलब पॉइंट्स है, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है इन द बिगिनिंग द प्रोजेक्ट फेस्ड मेनी ऑब्स्टेकल्स बट इट इवेंचुअली सक्सीडेड, ठीक है, कि शुरुआत में प्रोजेक्ट ने बहुत सारे, कोई भी प्रोजेक्ट है किसी कंपनी में स्टार्ट हुआ, आप किसी टीम में है, वहां पर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट फेस्ड मेनी ऑब्स्टेकल्स, के बहुत सारे जो ना उस प्रोजेक्ट में मतलब मसले मसाइल है, रुकावटें आई, बट इट इवेंचुअली सक्सीडेड। देखिए, आगे जाके तब्दीली आगे ना कि बाद में जो ना वो इवेंचुअली जो है वो कामयाबी हो गई, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन द बिगिनिंग यूज किया है। जहां पर आप देख लें, ये जहन में रख लें, इन द बिगिनिंग हम तब यूज करते हैं जहां पर इनिशियल आपको स्टार्टिंग पॉइंट अगर एग्जैक्टली नहीं पता है, वहां पर भी इन द बिगिनिंग यूज किया जाता है। जहां पर आपने स्टेजेस और पीरियड्स की बात करनी हो कि कोई चीज बड़े प्रोसेस, किसी प्रोसेस से गुजरी है, कोई प्रोसेस हो रहा है और उसमें डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट पीरियड्स इन्वॉल्व्ड है, वहां पर आप इन द बिगिनिंग यूज कर सकते हैं। और तीसरा आप तब करते हैं जब आपने कहना हो कि शुरुआत में तो ये चीज ऐसे थी, कुछ वक्त के बाद, गुजरने के बाद ये चीज जो ना वो ऐसे होगी, मतलब कि तब्दीली आई है उसके अंदर। वहां पर भी इन द बिगनिंग यूज होता है, जैसे कि इन द बिगनिंग आई कुडंट इवन स्पीक अ कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश बट नाउ आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि आगाज में, शुरुआत में मैं तो एक कंप्लीट मुकम्मल जुमला इंग्लिश में नहीं बोल सकता था या सकती थी, लेकिन अब मैं फ्लुएंट हूँ। ठीक है, मतलब तब्दीली आई है। तो जब आपने तब्दीली वाली बातें भी करनी होती, बात बतानी होती है कि पहले तो ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया है, तो तब भी आप जो है ना इन द बिगनिंग जो यूज कर सकते हैं, इस फ्रेज को यूज करेंगे। तो आई होप कि एट द बिगनिंग और इन द बिगनिंग, इन दोनों का जो है ना वो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम यूज सीखते हैं एट द एंड। ठीक है, एट द एंड जो है ना वो एट द बिगनिंग की तरह ही है। जिन चीजों के लिए आप एट द बिगनिंग यूज करते हैं कि जब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, जैसे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन, एट द बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको कंफर्म है, उसी का जब आपने एंड पॉइंट बताना है तो वहां पर एट द एंड यूज किया जाता है कि आपको क्योंकि उसका एंड पॉइंट भी जो है ना वो कंफर्म होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम आपको मालूम होता है कि ये चीज जो है ना वो कंक्लूड हुई है या फिनिश हुई है। जैसे कि एट द एंड ऑफ द प्ले The actors looked confused कि जो प्ले था, जैसे आप स्टेज प्लेस वगैरह अगर देखने जाएं तो आपको कोई प्ले अगर अच्छा नहीं होता ना, जिसकी तैयारी या कुछ अच्छा तरीके से नहीं हुई भी होती, तो जो एक्टर्स हैं वो एट द एंड वो कंफ्यूज थे, मतलब कुछ गड़बड़ होगी प्ले के अंदर और जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमने इसको प्ले को कंक्लूड कैसे करना है, तो वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे आखिर में। ठीक है, अब कोई भी प्ले है, स्टेज प्ले है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, जाहिर बात है वो एक एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट होता है, कोई भी प्ले होगा अगर आप देखने जाए तो, इवन टीवी पे भी अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, उसका स्टार्टिंग टाइम पता होता है और उसका एंड टाइम भी पता होता है। ठीक, तो वहां पर हम एट द बिगनिंग और एट द एंड जो है वो दी एंड यहाँ पर यूज इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे एट द एंड ऑफ द नॉवल द मिस्ट्री वाज फाइनली सॉल्व्ड। देखिए आपने स्टोरी स्टार्ट की है, नॉवल स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग भी मालूम होता है, उसका एंड भी, मतलब स्पेसिफिक जो ना वो मालूम होता है कि यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एंड हुई है। ठीक, तो एट द एंड ऑफ द नॉवल द मिस्ट्री वाज फाइनली सॉल्व्ड कि नॉवल, कोई भी मिस्ट्री वाला नॉवल हो, मिस्टीरियस हो, तो उसकी जो मिस्ट्री थी वो फाइनली सॉल्व, हर जाहिर बात है नॉवल और स्टोरी में जो होती है वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। ठीक है, द चैंपियनशिप विल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द सीजन। कि सीजन के जो चैंपियनशिप है, कोई भी किसी भी गेम की चैंपियनशिप गेम जो है वो टेक प्लेस करेगी, मतलब कि वो मुनक्कद की जाएगी एट द एंड ऑफ द सीजन, सीजन के एंड पे, वो कोई भी सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, जो भी है, ठीक, सीजन के एंड पे जो है वो की जाएगी। अच्छा जी, जैसे ये कि विल डिस्कस द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ठीक, मीटिंग, अब मीटिंग का भी जाहिर बात है जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग, आपको हर मीटिंग के जाहिर बात है एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होती है, डेट भी पता होती है, उसका टाइम भी पता होता है, और फिर जब वो एंड होती है तो उसका भी जाहिर बात है कि 1 घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटे की मीटिंग थी, तो वो एंड पे, एंड पॉइंट भी उसका मालूम होता है। ठीक, विल डिस्कस द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द मीटिंग, हम प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है मीटिंग जब एंड होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा जी, इन द एंड का भी यूज होता है। इन द एंड जो है ना वो इन द बिगनिंग की तरह नहीं है, इसमें समझ लीजिए इन द एंड हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी सिचुएशन की, किसी काम का हमने फाइनल रिजल्ट बताना है कि उसका आउटकम क्या निकला या वो उसका कंक्लूजन क्या था, नतीजा क्या था, जब हमने नतीजा बताना होता है ना तो तब हम इन द एंड यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि इन द एंड दे डिसाइडेड टू कैंसिल द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, अब ट्रिप की सारी प्लानिंग हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है, सारा कुछ इतने दिनों से डिस्कशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है, लेकिन क्या हुआ, उसका कंक्लूजन क्या निकला, नतीजा क्या निकला, ट्रिप कैंसिल हो गया क्योंकि मौसम खराब था। तो ये आउटकम जब बता रहे होते, जब आप उस किसी चीज का रिजल्ट बता रहे होते तब हम इन द एंड जो ना वो यूज करते हैं। जैसे कि इन द एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी व्हेन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि जब मुश्किल हालात में आप डील कर रहे हो ना तो वहां पर बेस्ट पॉलिसी क्या होती है कि आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि उस वक्त हालात जो मुश्किल होते हैं उस वक्त तो लगता है कि शायद मैं, अगर मैंने ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया तो मैं, हो सकता है किसी ट्रबल में जो है ना वो मैं फंस जाऊं या वगैरह, लेकिन बेस्ट यही होता है क्योंकि जब वो इन द एंड जब चीजें कंक्लूड होती हैं, जब वो सारी मुश्किलात जो है ना वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचती हैं तो जो सच्चा होता है ना वही जीतता है। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन द एंड हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन पेड ऑफ विद अ प्रमोशन। मतलब कि आखिर में कंक्लूजन, हम भी यहाँ पर कंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना कि भी इन द एंड क्या हुआ कि इतनी उसने मेहनत की और उसके बाद उसको उसका फल मिला, और वो किस सूरत में मिला, उसकी प्रमोशन की सूरत में मिला उसको उसका फल। ठीक, तो यहाँ पर इन दी एंड हमेशा याद रख लीजिएगा, जब हम कोई रिजल्ट, कोई आउटकम, कोई कंक्लूजन बता रहे होते हैं तो तब हम इन दी एंड यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन आज का अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कंफ्यूजन सारी दूर हो गई कि कहाँ पर जो है ना कौन सी वाली फ्रेज हमने इस्तेमाल करनी है। एंड आई सी